हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं असेंबल, वो भी ग्रीन सोल ट्रिगर्ड मल्टीपर्पज़ टेबल का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आ गया है अपना मैनुअल। मैनुअल के हिसाब से हम लोग के पास कुछ कुछ चीज़ें आई हुई है, देखते हैं पहले सब चीज़ हम लोग के पास आया है कि नहीं आया है। पहले मैं आप लोग को दिखा दूँ, ग्रीन सोल के साथ ये दो स्क्रू ड्राइवर्स आए हुए हैं जिससे आपको पूरा टेबल को असेंबल करना है। फिर उसके बाद मेरे पास पहले से ये छोटा वाला है तो मैं लेके बैठ रही हूँ ताकि अगर कहीं पे ज़रूरत हो तो हम लोग यूज़ कर पाए। फिर आ गया है बहुत सारे स्क्रूज़ राइट मैं भूल गई थी इसको क्या बोलते हैं। फिर उसके साथ आए हैं ये स्क्रूज़ भी, और ये टेबल के साइड में लगाने वाले। और मैंने यहाँ पे टेबल को भी खोल लिया है, आई एम सॉरी मैं दिखाना भूल गई, मैंने टेबल को खोल लिया है। स्क्रू ड्राइवर्स जो मैंने आपको पहले से दिखा के रखा है यहाँ पे मेरे पास, सॉरी तीन नहीं, मेरे पास चार स्क्रू ड्राइवर्स है जिसको मैं दे रही हूँ साइड करके रखने के लिए ताकि ये मेरे से इधर उधर ना हो जाए। उसके बाद आ रहा है अपना M816 जो स्क्रूज है। स्क्रू ड्राइवर तो चला गया, ये वाला स्क्रू जो मैंने पहले से इसको खोल के चेक कर लिया था, ये वाला स्क्रू आया हुआ है जो मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ। ऐसे कुछ टाइप के स्क्रूज है। एंड सेकेंड टाइम में आ रहे हैं ये स्क्रूज, मैंने इसको अभी तक खोला नहीं है, यहाँ पे और स्क्रूज है, मैं जब लगाऊंगी इसको आप लोगों के साथ मैं जरूर दिखाऊंगी इसको पहले से। थर्ड में ये स्क्रू आ रहा है एंड फोर्थ में अपना आ रहा है ये वाले छोटे छोटे स्क्रू जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे यूज़ होना है, बट इट्स ओके। इसके बाद स्क्रू के साथ ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे लाल लाल कुछ कुछ टैप टाइप का है जो ये भी यूज़ होने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आ रहा है S8 में, ये आप लोग देख सकते हो ये S8 में ये आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला S8 में ये वाला आ रहा है जो शायद कैसे पता नहीं कैसे कैसे करते हैं इसको, ओके मुझे नहीं आ रहा था तो इसको ऐसे ये वाला आ रहा है अपना S8 पे, आप लोग देख लो सामने से ये है S8। फिर अपना S9 पे आ रहे हैं ये शायद आपके जो चेयर के लेग्स होंगे उसमें ये ऐड हो जाएगा, ये आ रहा है आपका S10 नाम है इसका। और कुछ स्क्रू होने चाहिए जो मुझे दिख नहीं रहे फिलहाल, ये स्क्रूज है और भी जो मिला हुआ है अपने को। तो टोटल हम लोग को यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टाइप के स्क्रूज दिख रहे हैं, बट मुझे 4 टाइप के स्क्रू क्यों दिख रहे हैं, क्या है स्क्रू करना। तो सेकंड अपना ये आ रहा है, इसको S12 है, इसको क्या बोलते हैं कुछ प्लेट टाइप के हैं, तो आप देख सकते हो जिसको देख के लग रहा है सिल्वर के कॉइन्स है सिल्वर बिस्किट्स है, लेकिन नहीं है, ये कुछ स्टील का बना हुआ मेटेरियल जो हम लोग देखेंगे बाद में कहाँ पे यूज हो रहा है। फिर अपना थर्ड आपका आ रहा है ये जो चेयर के पैर है वो आ रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं सामने से दिखा देती हूँ, ये वाला चेयर के पैर जो है ये इस टाइप के आ रहे हैं जिसमें ये स्क्रू बना हुआ है एंड ये बहुत ज़्यादा भारी है, इसको उठाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये 1, 2 एंड 3 ये 3 वाले आ रहे हैं तो इसको हम लोग रख देते हैं, ये 2-1 पेयर में आए हुए हैं मतलब 2 सेट में है। एंड थर्ड इसके साथ मिला हुआ है मुझे ये, अभी पता नहीं है ये क्या है, आओ लग रहा है कि शायद कट जाएगा हाथ, कुछ ऐसा है आरी जैसा, आरी बोले कि बोले ऐसा है। फिर मेरा फोर्थ में एक आया हुआ है, आप लोग देख सकते हो फोर्थ वाला ये है जो कि मेरा ये है ऐसा, ये खुलता है एंड ये बंद होता है कुछ इस तरह का है ये। और मेन पार्ट ये है कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे फ्रंट कौन सा है एंड बैक कौन सा है, तो जिस तरफ एरो बना हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है ये फ्रंट में जाएगा, हर एक चीज़ में आपको ये मिल जा रहा है यहाँ पे। फिर आ रहा है ये लड़ाई करने वाले दो क्या बोलते हैं इसको शोर स्टिक जो वैसे आप लोग लड़ाई भी कर सकते हो उससे, तो आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं शोर, ओके फिर मेरा आ रहा है एक मोटर, फिर आ रहा है मोटर, यहाँ पे मोटर को कनेक्ट करने के लिए दिया गया है एंड इसमें भी आप देख सकते हो फ्रंट एंड बैक का किया हुआ है तो इसको भी हम लोग कनेक्ट करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे कुछ आया हुआ है एंड ये स्टिकर भी आया हुआ है जिसको मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ, और ये स्टिकर दो आए हुए हैं
दो तरफ में लगाने। फिर आया हुआ है ऐसे दो स्टिक्स, इसको भी लगेगा। फिर अपना यहाँ पे है ये जो डिजिटली यहाँ पे दिखता है, ये भी है यहाँ पे, अभी तो काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लाइट वगैरह जलेगा, कुछ कुछ दिखेगा भी यहाँ पे, एंड अगर आप सुन सकते हो यहाँ पे टैप का भी साउंड आ रहा है। फिर कुछ क्लिप्स हैं, फिर टेबल के कॉर्नर्स पे लगाने के लिए ये दिया गया है ताकि सेफ्टी के लिए। इफ़ यू वांट देन यू कैन यूज़ ऐसा है, ये मैंने प्लेट्स को उधर ही रख दिया था। फिर से देन आया हुआ है यहाँ पे केबल जिसको कनेक्ट करना है अपने को, एंड देन यहाँ पे होल्डर वगैरह कुछ कुछ है। एंड थर्ड थिंग जो मैं शायद ही उठा पाऊँ क्योंकि ये भी आया हुआ है, मैं भूल गई थी दिखाना, ये भी वन पेयर में आया हुआ है, टू है इसका, एक मैंने उधर रखा हुआ है, एक मैं आपको दिखाती हूँ रख रही हूँ। ओके सो मैं बता रही थी चार स्क्रू है यहाँ पे और कुछ स्क्रू बचा हुआ है। पता नहीं मैं कैसे दिखा रही हूँ बट आई नीड हेल्प। ये आ गया अपना टेबल जिसको हम लोग को करना है असेंबल। ओह माय गॉड, ये तो मेरे से भी बड़ा दिख रहा है। हेलो, ये टेबल से हम लोग ऐसे देख भी सकते हैं नीचे से बैठ। ये मेरे यहाँ पे सब हेल्पर लोग मेरे पे हंस रहे हैं, कोई बात नहीं चलता है। थोड़ा सा इंसल्ट फील हुआ लेकिन ठीक है, इनके बिना मैं इसको असेंबल नहीं कर पाऊंगी, सो मैं थोड़ा सा इंसल्ट सह रही हूँ। ये मेरा आ गया टेबल, एंड ये बहुत ही अच्छा ऊट टाइप का कुछ से बना हुआ है, लाइक प्लाई भी नहीं है, ऊट भी उतना ज़्यादा भारी नहीं है लेकिन भारी है, ऐसे ही भारी है। तो बोल रही थी मेजरमेंट दिया हुआ है, शायद मेजरमेंट 435 to Z कहाँ पे तो यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है जो मुझे उधर से नहीं दिख रहा था, तो मुझे हेल्प चाहिए। ओके सो अभी हम लोग इसको असेंबल करना स्टार्ट करेंगे, एंड मैं अपनी हेल्पिंग हैंड से बोलना चाहूँगी थोड़ा सा आप पीछे चले जाइए ताकि पूरा क्लियर दिखे एंड ईजी हो, आप थोड़ा सा पीछे ले लेना। ओके ओके बस डन। चलिए हम लोग को मैनुअल देखना होगा एज यूजुअल। पहले हम लोग को क्या करना है, पहले दो जो इसका पैर है टेबल का, मेरे भी दो पैर है, टेबल का भी दो ही पैर दिख रहे हैं, क्यों समझ नहीं आ रहा, टेबल के तो चार पैर होने चाहिए। सॉरी मैं मोटर को पहले अलग कर लेती हूँ क्योंकि इसको कुछ हो गया तो मेरा टेबल ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। सो इसको पहले क्या करना है, मुके बोलो। ओके सो इसको इधर ऐसे रखते हैं पास। तो सो फर्स्ट हम लोग के पास ये स्क्रू है, एंड यहाँ पे जो अपना चेयर का जो लेग्स है, लेग्स में यहाँ पे एक आपका फ्रंट दिखेगा, यहाँ पे वन स्क्रू का ये बना हुआ है, तो इसमें हम लोग को स्क्रू अटैच करना है। ये जो लंबा वाला अपना ऐसा स्टैंड मिला हुआ है ना, उसको हम लोग को यहाँ पे अटैच करना है। इफ़ यू वांट देन आई कैन शेयर द नेम ऑफ दिस थिंग, द नेम ऑफ It is mentioned as C in manual you can find it। So पहले इसको ऐसे अटैच करना है अपने को। हमें ठीक है बोल इसलिए भूल लगा के। सो इसको ऐसे हम लोग जो लंबा वाला आया हुआ था जिसके बगल में दो बना हुआ था ऐसा ब्लेड जैसे, तो उसको हम लोग यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। सो इसको यहाँ पे जो अपना मोटर है, देन यहाँ पे वी हैव दिस शॉर्ट टाइप जो स्टिक है, लाठी है, मतलब जो स्टील का आया हुआ है, आप देख सकते हो इस तरफ एक नॉक बना हुआ है, इसको नहीं, हम लोग जिस तरफ नॉक नहीं बना हुआ है वो ये जो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हमको इन करना है। एंड देन सेकंड थिंग हमको क्या करना है कि होता है लाइक तो इस तरफ जो ये शॉर्ट है इसके यहाँ पे आपको एक दिख जाएगा यहाँ पे ये फिट करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिक आपका बहुत एकदम अच्छे तरीके से फिट हो गया है। एंड तापर
only. So here you can check that this part is in the middle. So in my case it is same, and we have attached this part also. And don't tell me you take this seven. Okay. No, I'll come here. Okay. So now we put honey with it. Okay, we have to. No, okay. First we need to. First here. तो फर्स्ट यहाँ पे जो एक स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे ये जो स्टिक वाले जो स्टील के स्टिक्स है ये अटैच हो जाएंगे स्पेस में लाइक दिस, एंड बीच में जो यहाँ पे ये मेन मतलब इसको भी अटैच करना होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो स्टिक का दूसरा एंड है, दूसरे स्टिक का एंड, इसको भी हम लोग को सेम वैसे ही स्पेस बना हुआ है यहाँ पे एक उस स्पेस में अटैच करना होगा। दूसरे एंड को भी सेम स्पेस में अटैच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बट हो पा नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों मुझे फिर डर लगने लगा कहीं ये गलत नहीं आ गया है, एंड अगर गलत आया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसको फिर मुझे रिप्लेसमेंट के लिए डालना होगा एंड रिप्लेसमेंट में बहुत टाइम लगेगा। ये डिलीवर होने के लिए एक्चुअल में टाइम ले लिया था बहुत ज़्यादा, तो फिर मेरे में इतने पेशेंस नहीं थे कि मैं मतलब वेट करूँ फिर नेक्स्ट टाइम डिलीवर के लिए, लेकिन ये ठीक से फिर धीरे धीरे मतलब मैं ट्राई कर रही थी, फिर एक बार में हो गया ये अटैच ऐसे। तो फिर अटैच होने के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाएंगे। जो सबसे छोटे छोटे स्क्रू आए हुए थे तो उसको हम लोग ये मिडिल पार्ट में अटैच कर लेंगे, टाइट कर लेंगे। इसमें यहाँ पे जो बना हुआ था अपना स्पेस एक, उसको दोनों को मिला के हम लोग यहाँ पे स्क्रू जो आए हुए उसको अटैच कर रहे हैं। इसको आपको टाइट से अटैच करना है ताकि इसको किसी भी तरह से ये लूज ना हो। अगर ये लूज होगा तो आपका टेबल जब आप मतलब यूज़ करोगे ना तो बहुत दिक्कत होगा। सो नेक्स्ट हम लोग अटैच करने वाले हैं इसके फिट जो हम लोग को दो मिला हुआ है। देखते समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे कौन सा स्क्रू जाएगा, देन फिर से मैंने मैनुअल चेक किया कि कौन सा स्क्रू है, क्या है, नहीं है, कैसे अटैच करना है, क्योंकि एक बार अटैच करने के बाद उसको खोलना बहुत ही ज़्यादा मतलब हेक्टिक वाला काम हो जाता है। तो मैंने अच्छे से चेक कर लिया कैसे क्या करना है, एंड देन मैं नेक्स्ट इसको अटैच करने के लिए स्टार्ट कर दी। टेबल आधा तो सेट हो गया था, अभी बस ऊपर वाला प्लाई लगाना बाकी था। तो मैं एक बार चेक कर लेना चाह रही थी कि ये मतलब वजन को ठीक से उठा पा रहा है कि नहीं, तो ये ठीक से काम कर रहा था। तो फिर आधा कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था, मैं सोच रही थी ये कैसा दिखेगा, फाइनल लुक कैसा होगा। तो ये अभी चलते हैं, अपना जो प्लाई मिला हुआ है मतलब जो वुडन वाला टेबल का ऊपर का हिस्सा मिला है इसको पहले अटैच करते हैं। हमको जो स्टील वाले प्लेट्स मिले हुए थे वो टेबल के दो किनारे पे जाएगा, एंड इसको इस छोटे छोटे जो स्क्रू है उसके मदद से हम लोग को अटैच करना था यहाँ पे। सो अभी हम लोग करने वाले थे मेन टेबल को मतलब टेबल को अटैच करने वाले थे अपने जो प्लाई है उसके साथ, एंड ये सही में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, एंड समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे बैठाना है, एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि एक तरफ मिल रहा था तो दूसरा तरफ थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा था, तो कैसे क्या करना था हम लोग सोच रहे थे। फिर ध्यान में आया कि यहाँ पे जो चार अपने मार्क बने हुए हैं ना उसके मदद से हम लोग उसको पूरा मतलब इक्वली बैठा सकते हैं।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो प्लाई में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मार्क्स बने हुए थे जिसको हम लोग को फुल्ली अटैच करना था यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रू के साथ। तो आपको पहले मैनुअल देख के इसको करना होगा कि लाइक कहाँ पे कौन सा स्क्रू जाएगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे स्क्रू इतने सारे बने हुए थे तो एक एक करके समझाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग ऐसे मिला रहे थे कि कौन सा स्क्रू कहाँ पर जाएगा, क्योंकि बीच में कभी इधर स्क्रू नहीं मिल रहा था, अगर ये पॉइंट है तो उधर भी मिलना चाहिए, ऐसा होना होगा। मतलब अगर आपका सेट हो जाएगा एक तो हर एक पॉइंट स्क्रू का जो मार्क्स बने हुए ना हर एक के साथ हर एक मतलब एकदम नॉर्मली अटैच हो जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एक मिला रहे थे, दूसरा वहाँ पे मिल नहीं रहा था। अभी आप लोग देख सकते हो हर एक जो यहाँ पे निशान बना हुआ है लाइक मार्क्स बने हुए हैं स्क्रू के, वो अभी सेट हो चुके हैं। एक स्क्रू यहाँ पे जाएगा, दूसरा यहाँ पे जाएगा, ऐसे आपको सेट करना है आपके यहाँ पे। आप दूसरी तरफ भी देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये सेट हो गया है। एक बार अगर स्क्रू सेट हो जाता है तो आपको मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं है, उसके बाद आपको बस स्क्रू से अटैच करने रहते हैं। अभी टाइम है ये अटैच करने के लिए जहाँ पे हम लोग हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला जो बना हुआ था यहाँ पे इसको अटैच करने का टाइम आ रहा है, वो यहाँ पे क्या कर रही थी मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे देख रही थी कौन सा स्क्रू कहाँ पे जाएगा। सो इसको पहले सेट कर लेते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे हम लोग दो क्लिप मिले थे उसको भी अटैच कर लेंगे साथ में ही। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी टेंस हो गई थी क्योंकि यहाँ पे मैं बटन्स को प्रेस कर रही थी बट कुछ काम नहीं कर रहा था, तो मैं सोच रही थी कि क्या हुआ, ठीक से काम नहीं कर रहा है क्या है। मैं रीसेट भी करने की कोशिश कर रही थी बट कुछ भी नहीं हो रहा था, एंड ना लाइट जल रहा था ना कुछ। मैंने पावर केबल भी ठीक से कनेक्ट कर लिया था एंड फिर भी स्टिल सेम इशूज़ आ रहा था, तो मैं सोच रही थी क्या हो गया मेरे टेबल के साथ।
सो फाइनली मेरा टेंशन हुआ ख़त्म एंड मेरा टेबल जो था ये काम करने लगा था। तो मैं ट्राई कर रही थी, पहले टेबल पे मैं बैठ गई एंड मैं उनको बोली कि एक बार चेक करने के लिए इफ़ इट इज़ वर्किंग करेक्टली और नॉट। तो मैं चेक कर रही थी कितना वेट तक ले सकता है, वैसे मेरा वेट ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टिल मैं ही बैठ कर ट्राई कर रही थी एंड ये काम कर रहा था। पहले ऐसा मैं ऊपर आ गई, मैं इसको अच्छे से ट्राई कर ले रही थी ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, तो ये अच्छे से काम कर रहा था। सो ये रहा मेरे सेटअप का फाइनल लुक एंड मैं चेयर का असेंबल का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी। थैंक यू।